तो मोदी जी, एक तरफ मोदी जी मन की बात करते हैं और आप है जो मन की बात जान लेते हैं, क्या अंतर है दोनों में? क्या सीन है, वह क्या सीन है? वो राजनेता है, ये व्यास गति है। राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। हम अंतर्यामी नहीं है, हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, हम एक साधारण से गुरु के चेला, एक साधारण से धर्म का उपदेश देने वाले एक बालक हैं। रही मन की बात जान लेना, भगवत कृपा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बस मोदी जी से मांगी, देश को मकान दें या ना दें, देश को जो है बहुत ज्यादा रोडें सड़कें दें या ना दें, लाइट दें या ना दें, पर देश में बहुत अच्छे गुरुकुलम की व्यवस्था जरूर दे दें। गुरुकुलम मांगेंगे हम तो, गुरुकुलम की व्यवस्था में अगर भारत लौट कर आ गया तो फिर हम मकान स्वयं बनवा लेंगे हमारे बच्चे, रोडें स्वयं डलवा लेंगे हमारे बच्चे, भारत में ना नौकरी मिले विदेशन में जाके। आपने राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, भगवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हमारे इष्ट हैं, उनके स्वामी हैं राम। राम भगवान की छत्र छाया में हम राम का खाते हैं। तो आपसे ही हम प्रश्न पूछते हैं, आपके बाप पर कोई पत्थर फेंकेगा क्या आप मौन रहेंगे? आपका जवाब होगा नहीं, तो राम हमारे बाप हैं, उन पर कोई पत्थर फेंके तो हम मौन नहीं। आत्मरक्षा करना और आत्मरक्षा के लिए बोलना अगर भड़काऊ बयान है तो ये बयान होते रहना चाहिए। आपकी बहन बेटी पर, आपकी बहन पर आपकी बेटी की आबरू पर कोई खेले लव जिहाद के चक्कर में, उसके साथ फ्रॉडगिरी करके नाम कुछ और कुछ बन करके उसको ले जाए, उसको कत्ल कर दे, क्या आप मौन बैठेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनके रक्षण के लिए अगर हम बुलडोजर रख रहे, तुम अपनी रक्षा के लिए क्रेन रख लो। हम बुलडोजर खरीद रहे बाहर में, तुम क्रेन खरीद लो, नो प्रॉब्लम, हम चलाएंगे, तब तुम तैयार रहना। पहली बात, तुम ऐसा काम ही नहीं करना कि हमें चलाना पड़े। और अगर ये भड़काऊ बयान है तो ऐसे होते रहना चाहिए।